हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 पार्ट ई एंड एफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डी पार्ट तक क्लियर किए थे, ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ई और एफ पार्ट क्लियर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4p-3=30, ठीक है, और पी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -4। पी की वैल्यू क्या गिवन है -4। तो सबसे पहले हम LHS पे चलते हैं। देखो LHS क्या गिवन है हमें 4p-3। पी की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है -4, तो 4 × -4 - 3, इट मीन्स 4 × 4 = 16, -16 एंड -3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -19, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। और RHS हमें क्या गिवन है, RHS हमें गिवन है 13, ठीक है, 13 गिवन है ना RHS, तो इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर आंसर इज नो। हमारा आंसर क्या आएगा, नो। अब चलते हैं स्टूडेंट्स F पार्ट पे, ठीक है। F पार्ट में भी हमें यही इक्वेशन गिवन है 4p-3=13, बट यहाँ P की वैल्यू 0 लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS पे चलते हैं। LHS हमें गिवन है 4p-3, इट मीन्स 4 × 0 - 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, तो 0 - 3 हमारे पास आ गया -3। बट जो RHS है वो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स 13, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर आंसर इज नो। यहाँ भी हमारा आंसर क्या आएगा, नो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ई और एफ पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।